हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भुसावल रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि आता है महाराष्ट्र में। अगर आप इस रेलवे स्टेशन से लोकल हो या इस रेलवे स्टेशन पर आए हो तो कमेंट करके बताइएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस रेलवे स्टेशन पर क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, कितनी ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर रुकती है, साफ़ सफाई कैसा है, रेलवे स्टेशन के बाहर में पार्किंग एरिया है कि नहीं, वेटिंग रूम है कि नहीं, और भी बहुत कुछ। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। भुसावल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड BSL है। टोटल 9 प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पे। सेंट्रल रेलवे जोन में आता है ये रेलवे स्टेशन भुसावल डिवीज़न के अंतर्गत। भुसावल रेलवे स्टेशन पे काफ़ी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे कि फूड स्टॉल, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, वॉशरूम, टिकट काउंटर, फुट ओवर ब्रिज और भी बहुत सारा फैसिलिटी अवेलेबल है इस रेलवे स्टेशन पे। भुसावल रेलवे स्टेशन जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन है महाराष्ट्र का, और मैं साफ़ सफाई का बात करूँ तो बहुत ही नीट एंड क्लीन ये रेलवे स्टेशन है। रोजाना काफ़ी सारे यात्री इस रेलवे स्टेशन से ट्रैवल करते हैं। इस रेलवे स्टेशन पर 9 प्लेटफॉर्म है और 404 ट्रेनें हॉल्ट करती है। 13 ट्रेनें इस रेलवे स्टेशन से ऑरिजिनेट होती है और 13 ट्रेनें इस रेलवे स्टेशन पर टर्मिनेट होती है। तो चलिए आपको कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के नाम बताता हूँ जो कि इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट करती है। अगर आपको भी कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के नाम पता है जो कि इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट करती है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। गीतांजलि एक्सप्रेस, गोवा एक्सप्रेस, आसनसोल वीकली एक्सप्रेस, पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और भी बहुत सारी एक्सप्रेस ट्रेनें इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट करती हैं। रोजाना काफ़ी सारे यात्री इस रेलवे स्टेशन से ट्रैवल करते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर में आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी 24/7 आवर अवेलेबल है। रेलवे स्टेशन के अंदर आपको AC रूम मिल जाता है और रेलवे स्टेशन के बाहर में अगर आपको होटल चाहिए तो विदिन 5 किलोमीटर के अंदर में आपको रहने के लिए अच्छा होटल मिल जाएगा। बहुत लोग ये पूछते हैं कमेंट में, क्या इस रेलवे स्टेशन पे मुझे पहले आना पड़ेगा अगर मैंने जनरल टिकट लिया? तो आपको 2-3 घंटा पहले आना पड़ेगा क्योंकि जनरल के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है इस रेलवे स्टेशन पर। सो गाइज, अगर आप मेरा ये वीडियो महाराष्ट्र या इस रेलवे स्टेशन से देख रहे हो तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट करके बताइएगा इस रेलवे स्टेशन पे आप कभी आए हो कि नहीं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते अगली वीडियो में।